77 आवलिक 18 और यह सीजीएम कोर्ट में दाखिल हुआ है। हमने 11 बजे दिन में इसको सोशल मीडिया पे देखा था, जिसका प्रोमो चला था साउथ हिंदुस्तान फिल्म का, और इसमें दिखाया गया था कि इस फिल्म में जो आज़ादी के नायक हैं उन्हें ठग सब से संबोधित किया गया था। साथ ही साथ एक जात विशेष को इसमें फिरंगी मल्लाह तथा उस पर रस्मी टिप्पणी की गई थी। तो जहाँ तक मेरी जानकारी है कि टीआरपी बढ़ाने की वजह से इस फिल्म का नाम ठग साउथ हिंदुस्तान रखा गया, क्योंकि इनको पता था कि अगर ये फिल्म नहीं चलेगी तो इसमें जात विशेष को ठग और नस्ली समझा जाएगा, और फिल्म चल गई तो ये अपने विवादित फिल्म के नाम रखने से ये चला देंगे। तो चूंकि इन लोगों का एक कॉन्स्पिरेसी था, निर्माता का और अभिनेता का, तो दोनों की एक षडयंत्र थी, इसी को लेकर हमने आमिर खान फिल्म के जो अभिनेता हैं तथा फिल्म के जो निर्माता हैं आदित्य चोपड़ा के खिलाफ ये परिवाद दाखिल किया है, और ये परिवाद मेरा एक्सेप्ट हो गया है। एक्चुअली हमने जो सीजीएम कोर्ट में परिवाद दाखिल किया है, यह 30 अक्टूबर को हमने एक प्रोमो देखा था सोशल मीडिया पे, उसमें एक फिल्म जो रिलीज होने वाली है 6 नवंबर को, उसका नाम है ठग साफ हिंदुस्तान। उस फिल्म का जो टाइटल था वो बहुत ही आपत्तिजनक मुझे लगा, और साथ ही साथ जब मैंने उसको सर्च किया तो उसमें हमारे आज़ादी के नायकों का बड़ा अपमान दिखाया गया है। जो हमारे देश के शहीद हैं आज़ादी के पहले, अंग्रेजों की निगाह में वह फिरंगी या जो भी होंगे, लेकिन आज़ादी के बाद इस तरह की फिल्मों का नाम रखना और इस तरह की फिल्मों को बनाना एक प्रकार से टीआरपी को बढ़ाना है। और साथ ही साथ इसमें मैंने देखा कि एक जाति है मल्लाह जाति, जो निषाद है, उस जात को भी फिरंगी और मल्लाह के रूप में इसमें दर्शित किया गया था। इसी को लेके हमारी भावनाहत हुई, चूँकि मैं देश का नागरिक हूँ और हमारी जो है मानहानि भी हुई है। अगर देश के नायकों का मानहानि है तो ये मेरी व्यक्तिगत मानहानि है। इसी को लेके हमने माननीय मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत में एक परिवाद दाखिल किया। मेरा ये कंप्लेंट परिवाद एक्सेप्ट हो गया है, और हमने यह कंप्लेंट 153A, 505, 500, 120B के तहत अभिनेता आमिर खान और ठग साफ हिंदुस्तान फिल्म के निर्माता आदित्य चोपड़ा के खिलाफ दाखिल आज 1 तारीख को मैंने किया है, 1 नवंबर 2018 को, और मेरे बयान के लिए 18 दिसंबर की तिथि नियत की गई है, जहां मजिस्ट्रेट साहब हमारा करंजक बयान अंकित